हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेवी सिद्दीकी चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा राइस की रेसिपी। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर 1 कप अरवा राइस और इसे अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। और चावल से हम 4 गुना ज़्यादा पानी लेंगे और इसे रखेंगे बॉयल होने के लिए। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, 2 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ते मिक्स कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे बॉयल होने के लिए। तो पानी यहाँ पे मेरा बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम सोक किए हुए राइस ऐड कर देंगे। फ्लेम को तेज़ कर देंगे, तो हाई फ्लेम पे इन्हें हम बॉयल करेंगे। तो राइस हमारा यहाँ पे 98% बॉयल हो गया है और इसे अब हम छान लेंगे। और तेज़पत्ता इसमें से निकाल देंगे क्योंकि बॉयल होने में इसका फ्लेवर आ चुका है राइस में। और अब एक पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी और इसे मेल्ट होने देंगे। जब मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा ऐड करेंगे। शाही ज़ीरा नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा, जो नॉर्मल ज़ीरा होता है, आप उसे ऐड कर दीजिए। तो ज़ीरे को आधा मिनट पकाएंगे, या कहेंगे जब ये चटकने लगेगा तब इसमें हम बॉयल किए हुए राइस ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो 98% हमने यहाँ पे बॉयल किया है राइस को। अब हल्का सा पानी का छींटा दे के इसे ढक कर 5 मिनट के लिए दम देंगे। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, हमारा ज़ीरा राइस एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। किसी भी करी के साथ या कोरमे के साथ आप इसे बनाइए, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट।